नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। ऐसे कई म्यूजिक लवर्स हैं जिन्हें लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस म्यूजिक ऐसा होना चाहिए जो आपके दिल को छू जाए। म्यूजिक तो आत्मा की सबसे पावरफुल रचनाओं में से एक है, जिसके चलते श्रीलंकाई सिंगर योहानी के गाने मालिके मगे हिते की पॉपुलैरिटी अब सिर्फ श्रीलंका तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि इस वायरल गाने से भारत समेत कई जगहों पर जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। आज के टाइम में सोशल मीडिया रातों रात किसी को भी स्टार बना देता है। कुछ ऐसा ही हुआ है श्रीलंकाई सिंगर और रैपर योहानी के साथ। वो पहले से ही काफी पॉपुलर थी, लेकिन इन दिनों इंटरनेट पर उनका एक गाना मालिके मगे हिते खूब वायरल हो रहा है। सिंगला भाषा में इस गाने को गाने वाली योहानी को हिंदी भाषा नहीं आती, उसके बावजूद भी उनकी आवाज लोगों को बेहद पसंद आ गई। योहानी के इस वीडियो में उनके साथ सतीशन भी शामिल है। फिलहाल योहानी सोशल मीडिया की सनसनी बन गई। योहानी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी खास बात यह है कि वो हिंदी भाषा में नहीं, इसके बावजूद लोग लूप पर लगाकर इस गाने को सुन रहे हैं, क्योंकि यूजर्स योहानी की आवाज के कायल हो गए। गाने का म्यूजिक भी शानदार है। इस गाने ने यूट्यूब पर धूम मचा दी। भले ये गाना किसी को समझ ना आ रहा हो, तब भी गाने में योहानी की आवाज, इसके म्यूजिक ने लोगों पर एक जादू कर दिया। आखिर कौन है योहानी, जिनके बारे में आज हर कोई जानना चाहता है, चलिए आपको बताते हैं। योहानी का पूरा नाम योहानी दिलोका डिसिल्वा है। उनका जन्म श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 30 जुलाई 1993 को हुआ था। एक पूर्व सेना अधिकारी के घर जन्मी योहानी के पिता का नाम प्रसन्ना डिसिल्वा और मां का नाम दिनिथी डिसिल्वा है। योहानी ने अपनी पढ़ाई कोलंबो के जनरल सर जॉन कोटलावाला डिफेंस यूनिवर्सिटी से की। बाद में योहानी पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चली गई। योहानी ने अपने हायर एजुकेशन में लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग की डिग्री ली। पूर्व एयर होस्टेस रह चुकी योहानी ने साल 2016 में अपना करियर एक यूट्यूबर के तौर पर शुरू किया था। जल्दी उनके गाने और रैप लोगों को पसंद आने लगे। वो सिंगर होने के साथ साथ रैपर और गीतकार भी हैं। योहानी को श्रीलंका में रैप प्रिंसेस का खिताब भी दिया जा चुका है। केवल सिंगर ही नहीं है योहानी, स्कूल के समय में योहानी एक प्रोफेशनल स्विमर और वाटर पोलो प्लेयर भी रही। हालांकि बाद में उन्होंने म्यूजिक में अपना करियर बनाया। वो श्रीलंकाई रिकॉर्ड लेबल पेटा इफेक्ट में शामिल हो गए। उनके एक सॉन्ग ने रायगम सोमे अवार्ड्स में बेस्ट वीडियो रिमेक का पुरस्कार जीता। उन्होंने रेड बुल प्रेजेंट्स कॉन्सर्ट में भी परफॉर्म किया। इसी साल मई में रिलीज हुआ योहानी का वायरल सॉन्ग श्रीलंका छोड़िए इंडिया में भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो दुनिया भर में कितना पॉपुलर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इसे 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। मालिके मगे हिते की बढ़ती पॉपुलैरिटी और डिमांड को देखते हुए इस गाने के तमिल और मलयालम वर्जन का भी फैंस मांग करने लगे। फैंस की मांग पर योहानी के इस गाने का तमिल और मलयालम वर्जन इसी साल 26 जुलाई को रिलीज कर दिया गया, जिसे भी काफी पसंद किया जा रहा। आम लोगों के साथ साथ बड़ी बड़ी हस्तियां भी योहानी के गाने मालिके मगे हिते के फैन हो गए। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।